अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम टेबल कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टेबल के साथ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मैंने एक ये टेबल बनाया था लास्ट वीडियो में, डे वन, डे टू, वीक वन, वीक टू। अब अगर मुझे डिफरेंट कॉलम या डिफरेंट रोज ऐड करें तो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें, ये वीक वन है, वीक टू है, हर मंथ में ऑलमोस्ट 3 वीक्स होते हैं। हम इसको नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर नवंबर 2015। अब हम लोग अगर उसके अकॉर्डिंग अगर टेबल बनाना, तो हम यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैं वीक टू के कॉलम में हूँ, मैं यहाँ पर टैब नेक्स्ट कॉलम में, उसके बाद फिर टैब दोबारा नेक्स्ट कॉलम में, और अगर मुझे चाहूँ कि मैं नीचे एक और कॉलम ऐड कर लूँ तो मैं दोबारा टैब प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर तीसरा तीसरी रो ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देखें, वीक 3, टैब टैब अगेन टैब, वीक 4। अब देखें यहाँ पर ये ऊपर लेआउट, लेआउट सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी ऑप्शन दी है, डिलीट रोज, जो अगर हम लोग रो जिस रो पे हमारा ये ब्लिंक कर रहा है, अगर हम लोगों ने उस रो पर डिलीट करना, तो यहाँ से डिलीट रो। अगर डिलीट कॉलम, जो रो हम जो कॉलम हम लोग ने सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ से कि ये वो डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल, जो कि पूरे पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। यहाँ पर अगर इंसर्ट करनी है, रो करनी है, तो यहाँ पर ये रो इंसर्ट करेगा। यहाँ पर अगर ऊपर करनी है तो अबव, नीचे करनी है तो बिलो। अगर इंसर्ट लेफ्ट कॉलम करना है तो आपने तो कॉलम ऐड कर देगा, अगर राइट पे करना है कॉलम ऐड तो वो राइट पे कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक करता हूँ, हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट राइट, यहाँ पर देखिए देखिए डे 3, क्योंकि हमारा बॉक्स का साइज छोटा है इसलिए हमारा टेबल भी छोटा आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पर इंसर्ट राइट, डे 4, ऐसे ही डे 5, अगेन डे 6, और नेक्स्ट में डे 7, और इस तरह आप अपने रोज एंड कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं यूजिंग टेबल। यहाँ पर देखें डे 8, अब हमें पता है कि वीक में सिर्फ 7 डेज होते हैं, तो यहाँ पर मैं डिलीट कॉलम, यहाँ पर ये देखिए, ये डे 8 वाला कॉलम डिलीट हो गया है।